शेयर करूंगा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग पेपर। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका जो है आने वाले कुछ दिनों में विश्व भारती का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, जिसमें आपका LDC का, MTS का और एक और पोस्ट का एग्ज़ाम होना है। तो उसके रिगार्ड में आई होप आप सब ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। अब उस तैयारी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पेपर अटेम्प्ट करने की चाहिए, जिससे आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को जो आपने प्रिपेयर किया उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो उसी के रिगार्ड में मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगा, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और अपना पेपर भी मैक्सिमम अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे, जिससे आप अच्छे से अपना पेपर दे पाएँ। अब सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर कर दूं, जिसमें आपका एडमिट कार्ड का रिलीज़ के रिगार्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नोटिस आपका 24 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था, जिसमें आपका LDC लेबोरेटरी अटेंडेंट और MTS पोस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होना था। और उसके बाद अब अगर मैं आपसे शेयर करूं इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि 29 जून को पेपर नहीं है, बाकी आपका 27 से 3 जून का है और उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि आपको ऑनलाइन अपना पेपर देना होगा एग्ज़ाम सेंटर पे जाके। और उसके बाद आपका सिटी ऑफ इंटीमेशन आ गया था 20 और 21 तारीख को, ठीक है। और अगर आपको ऑफिशियली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल के, ठीक है। ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपको देखनी है कि UFM होगा अगर आप कुछ गलत माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन आप अपना कहते हैं कि नहीं दूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो कि है पोस्ट और मेल के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी या फिर कोई डिफ़िकल्टी होती है डाउनलोड करने में, तो आप इन ऑफिशियल नंबर्स पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपना मेल कर सकते हैं इन नंबर पे, ठीक है। तो गाइज, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड के रिगार्ड में, कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ हुआ है और उसके बाद कैसा आपका पेपर होगा। अब अगर हम अपने मेन टॉपिक पे आएँ कि कैसे हमें मार्क्स स्कोर करने हैं और कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके रिगार्ड में अगर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो अब ये समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे जब आप देखेंगे, आपको देखना है कि कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से मार्क, कितने मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस आपकी देखिए 30 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है, रीजनिंग एबिलिटी 35 है और 70 मार्क्स की है, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स और सेम इंग्लिश या हिंदी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो गाइज, ये तो हो गई आपकी मार्किंग स्कीम में। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं, आपका ड्यूरेशन है 2 आवर्स। देखिए गाइज, सबसे पहले ना आपको इन पांचों पोर्शन में से आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस अटेम्प्ट करनी है। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस पहले अटेम्प्ट करने का क्या रीज़न है कि अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप करेंगे, अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे या फिर आप दूसरे आगे बढ़ जाएंगे और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब जैसे अभी मैं क्वेश्चन बोलूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी या फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई थी, अब आपके बैक ऑफ द माइंड में आ जाएगा कि यार ये मुझे आता है, ये मुझे इसका ये आंसर है, तो आप अटेम्प्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि आप नेक्स्ट पे मूव ऑन कर देंगे और आपका टाइम जो है वो एक तरह से बच जाएगा अपने आने वाले पोर्शंस में। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग पहले मैथ अटेम्प्ट कर देते हैं, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कर देते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, और लास्ट में आपका जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करते हैं। उससे क्या नुकसान होगा कि देखिए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सारे ना टाइम कंज्यूमिंग है, इससे क्या होगा कि आपका सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और जो क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के आप कर सकते थे वो आप जस्ट बिकॉज कि आपका टाइम ही इतना कंज्यूम हो गया कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पहले करने हैं। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस पहले करने हैं और कोशिश करना फर्स्ट 15 मिनट्स में, आई रिपीट, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपके जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो जाएं,
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मोटा मोटा आप मान के चलिए आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आप 50 क्वेश्चंस 15 मिनट में कर चुके हैं जी गाइस। अब कर चुके हैं मतलब आपको पता है कि यार इनका मुझे क्वेश्चन आता था नहीं आता था, और ऐसा नहीं होगा कि 50 क्वेश्चंस में से आप 25 या 20 आपको नहीं आएंगे, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे या फिर मोर देन किसी पे 50% होंगे, किसी पे 70% श्योर, पर आप एक तरह से मोटा मोटा 50 क्वेश्चन देख चुके हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके 100 क्वेश्चंस बचेंगे, आपका पहला 45 मिनट इसमें और 60 मिनट्स लास्ट वाले आर में ठीक है। तो अब आपके 105 मिनट बचे हैं। अब उसके बाद अब देखिए कुछ लोगों की इंग्लिश मजबूत होती है और या हिंदी मजबूत होती है या रीजनिंग, दो में से एक। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको लैंग्वेज करनी है जी हाँ। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, पहले बोल रहा हूँ अच्छी है, ये मत सोचना कि सर ने तो बोला था कि इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करनी नहीं, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से कर पाते हैं समझ लेते हैं एक ही बार पढ़ने में और आपका रीडिंग प्रैक्टिस है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए जी हाँ। इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है आपको नेक्स्ट 30 मिनट्स में। अब देखिए 30 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स दे रहा हूँ तो एज सच इतना बड़ा कोई टास्क हरक्यूलियन टास्क नहीं है 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना इंग्लिश के लिए, बल्कि ये तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज दे रहा हूँ कि लेवरेज इतना है कि आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपका देखिए 45 मिनट में आपने इंग्लिश कर दी, कंप्यूटर अवेयरनेस कर दी, जनरल अवेयरनेस कर दी, और ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है, कोई मैंने वो ज़्यादा नहीं दिया। 45 मिनट्स में आप ये तीनों पोर्शन कर लेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए आपके पास कितना टाइम बचा, 15 मिनट्स है फर्स्ट आर में और नेक्स्ट 60 मिनट्स हैं लास्ट आर में। और एक और चीज़ है, अब 15 मिनट्स हो गए, अब आपको क्या करना है, अब आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग अटेम्प्ट करना, दोनों में से कोई एक जो आपकी बहुत अच्छी है वही अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे 30 मिनट में मैथ कर ले जाते हैं तो आपका नेक्स्ट 45 मिनट्स बन जाएगी रीजनिंग में। अब रीजनिंग अगर ख़राब है तो 45 मिनट में भाई 35 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, देखेंगे नहीं आता आगे बढ़ेंगे। ये परेशान मत होना यार मेरे को स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं आए या स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं आए, आपको 35 में से अगर आप 30 क्वेश्चंस भी अगर करेक्ट कर करें ना तो बहुत बड़ी बात है ठीक है। तो ये मत हेजिटेट होना कि ओ यार ये तो 5 लगातार मुझसे नहीं हो पाए, नेक्स्ट क्या पता नेक्स्ट 25 आपसे करेक्ट हो जाए, नेक्स्ट 28 करेक्ट हो जाए, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होती है अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो समझ गए आप कैसे करना है, आपको पहले 15 मिनट में कंप्यूटर अवेयरनेस और आपको जनरल अवेयरनेस ये दोनों कर देना ठीक है। नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको लैंग्वेज का करना है, इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज है तो आप पढ़ के ही करेंगे तो जल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम आता है नहीं आता, इडियम फ्रेजेस आता है नहीं आता। और इंग्लिश या फिर हिंदी में भी आप कॉम्प्रीहेंशन आखिर में करेंगे जी हाँ, कॉम्प्रीहेंशन आखिर में करना है, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 मिनट्स हो गया, अब आप आ जाइए अपना रीजनिंग एबिलिटी पे। रीजनिंग एबिलिटी पे 30 क्वेश्चंस या फिर 30 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, फिर लास्ट 45 मिनट्स में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी करना है। तो गाइस ये तो हो गई आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। और एक और चीज़ है, कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका एसएससी पैटर्न पे नहीं आएगा। पैटर्न मतलब क्या है कि जैसे एसएससी में क्या होता है कि इंग्लिश के एक तरफ होते हैं, रीजनिंग के एक तरफ होते हैं, मैथ्स के एक तरफ होते हैं, कंप्यूटर के एक तरफ होते हैं, नहीं ऐसा नहीं आता है। तो आप इतना तो समझ ही जाएंगे यार ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, ये क्वेश्चन हिंदी का है। तो अगर आपको पहले जनरल अवेयरनेस मिलती है आपका अटेम्प्ट कीजिए आगे बढ़िए। और आपका जो कंप्यूटर पे ना जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होगी उस पर एक पैलेट बना होता है, पैलेट मतलब जैसे यहाँ पे एक आपका बना होगा कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं ठीक है। फिर उसके बाद आप वापस से आप अपना क्वेश्चन को देखिए कि जो जो अटेम्प्ट होते जाएंगे उस पर ग्रीन या ऑरेंज होता जाता है ठीक है। तो इससे आपका एक करेक्ट होता जाएगा कि यार मैंने ये इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। और टाइम तो अकॉर्डिंग आप देखते रहना कि मेरे 45 मिनट में क्या मेरे जनरल अवेयरनेस के 30 और उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 और 50 इसके और उसके बाद आपके 30 इसके, मतलब 80 क्वेश्चन 45 मिनट में हो जाने चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस और आपका जनरल अवेयरनेस मान के और आपका इंग्लिश का मान के। तो आपको समझ आ गया, अगर जंबल्ड भी होंगे तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, फिर उसके बाद स्किप कर देना। लास्ट के आपको 75 मिनट्स रीजनिंग और मैथ्स में डालना है जिससे आप अच्छे से काम माइंड होके हर एक क्वेश्चन पे एक मिनट
एवरेज करके चले। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कई क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में हो जाएंगे, कई क्वेश्चन 15 सेकंड में हो जाएंगे, कई क्वेश्चन आपके 2 मिनट में होंगे, लेकिन ये जो 2 मिनट वाले क्वेश्चन हैं इनको जितना आखिर में हो सके कोशिश करना, जितना आखिर में हो सके उनमें करना, वो पहले वाले मिनट्स में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस ये है मेरी तरफ से स्ट्रेटजी जो मैं इंप्लीमेंट करता था जब पेपर अटेम्प्ट करता था अपने। अभी के लिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर करना, जिससे वो अच्छे से पेपर दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।